तो मैं कल टिकटॉक पे गई। अब हर थोड़े देर अरसे बाद ना, महीनों बाद या 6 महीने बाद ना कोई नया ट्रेंड चल रहा होता है। एक टाइम था जब मेकअप इस तरीके से, जब मैं मेकअप वगैरह बेच रही थी तो फेसबुक पे जो देखो हर लड़की मेकअप बेच रही थी, हर लड़की मेकअप बेच रही थी। फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर आया टाइम जहां पर लड़कियां फिर ज्वेलरी बेच रही थी इसी तरह से लाइव आकर ना, एंड सम ऑफ देम डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा लगे चंद लोग लड़कियों ने, तो बड़े बड़े बिजनेसेस अपने स्टार्ट कर लिए इसी तरीके से। फिर मैं देख रही थी कि ऑयस्टर्स बैठ के शक कर रहे होते थे। ऑयस्टर्स पता है वो क्या कहते हैं ऑयस्टर्स को यार उर्दू में, मगर वो समुद्री एक चीज होती है ऑयस्टर्स ना, तो उसको आप यूं करके बीच में घुसा के उसको खोलना पड़ता है, उसके अंदर से कभी कभार मोती निकलते हैं, राइट, चंद उसमें से निकलते थे। तो वो बैठ के वहां पे मोती निकाल रही होती थी और वो मोती बेच रहे होते थे। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही है ना, इतना टाइम इतनी जल्दी जल्दी आने हम लोग वो कर रहे हैं यहाँ पर। एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग ऑनलाइन, कोई आइडिया लेकर आए, कोई आइडिया लेकर आ रहा है। तो कल मैं यूट्यूब सॉरी ट्विटर पे, ट्विटर क्या है, टिकटॉक पे बैठी हुई थी और मैं वहां पे लाइव देख रही थी। आजकल अलग ही ट्रेंड आया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ क्या ट्रेंड है। मैंने सोचा मैंने भी स्टार्ट कर देना भाई, लाइक थाउजेंड्स थाउजेंड्स। ये नया ट्रेंड भाई चौथ, वहां पे 4,000 बंदा बैठ के देख रहा था उस बंदी को कुछ नहीं, 4,000। आई लाइक वॉचिंग दीज, हा मोर लाइक लिसनिंग। मेरी समझ में नहीं है और अतः क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस, मेरे को समझ में। फिर वहां पे लोग वो भी लेके बैठे होते हैं, चलो म्यूजिक का तो मेरे समझ में आता है, इतने बड़े बड़े ढोल या पांडे लेके बैठे होते हैं, पांडे जी आपकी तरह, फिर वहां पर वो म्यूजिक चला रहे। ये नया ट्रेंड है गाइस, ये नया ट्रेंड है, मान लीजिए अब इस ट्रेंड पे चलाना है, सफर करो अभी नए नए डिफरेंट ब्रशेस से हम करेंगे। ओ ओ मेरा बेचारा ब्रश। गाने गाओ इसमें टप्पे डालो टप्पे बस मैंने यही करना है, छोड़ो ये सारी चीजें, रिलीजन छोड़ो, यहाँ पे फेमिनिस्ट एक्टिविज्म छोड़ो, क्या फायदा इसका, हम पांडे बजाएंगे। अच्छा वो लड़की अपनी शक्ल नहीं दिखाती है, वो सिर्फ अपने लिप्स दिखा रही होती है और माइक दिखा रही होती है, जो दिखाने की चीज होती है, और बोलना नहीं चाहिए मुझको, वो एक काली लड़की है, उसके दांत के बीच में इतना बड़ा कैप है इतना बड़ा कैप उसके बीच में। ओके नेक्स्ट वन लाइक, नीचे लोग मर रहे होते हैं, हमारा नाम ले लो, हमारा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, प्लीज मैं मर जाऊंगा। नगेंद्र पांडे जैसे यहाँ एक है ना, वहां पे 4,000 बैठे होते हैं नगेंद्र पांडे जैसे, तो अब क्या किया जाए Swear to God, पांडे कौन सा ड्रम है, ये वो फटा हुआ ड्रम है जिसमें से आवाज आनी बंद हो गई है। आप खूब सुंदर है, थैंक यू होमियो, हाल दलाई
आपको कवरेज सिर्फ आपकी सेक्सी लुक की वजह से मिलती है, तो इरफान जी इसका कसूरवार कौन हुआ? हाँ इसका कसूरवार मैं हूँ, इसका भी मैं, अच्छा मैं सेक्सी हूँ तो इसका भी कसूर मेरे सर पे जाता है, यानी जो मैं अच्छी बातें कर रही होती हूँ उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को मेरी सेक्सी बॉडी में इंटरेस्ट है, आप लोगों को मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, और इसका भी कसूर मेरे सर पे थोपो। यानी ठरकी आप, ठरकी कंटेंट आपने देखना, ठीक है ना, आप कोई अच्छी ऐसी वैसी बात आपने नहीं सुननी है, जहां मैं कोई अच्छी बात करना शुरू होती हूँ तो सब भाग जाते हैं यहाँ से। हाँ मगर अभी मैं उठ के अपनी टिकटॉक पैंट दिखा दूंगी तो यहाँ 2000 लोग जमा हो जाएंगे, तो इसका कसूरवार कौन हुआ? मैं हुई, आप हुए, इसका भी ठेका मैंने लिया हुआ है।